नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेबी एंड चाइल्ड केयर चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के लिए राई का तकिया या फिर मस्टर्ड पिलो के बारे में, इसके फायदे के बारे में और आप इसे घर पे कैसे बना सकते हैं इसके बारे में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बेबी डिलीवरी के दौरान आपके बेबी का सर पे दबाव बनता है, जिसके कारण कि आपके बच्चे के सर का आकार बिगड़ जाता है और इसे ठीक करने के लिए राई के तकियों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि राई का तकिया यानी मस्टर्ड पिलो क्या है। राई का तकिया एक नॉर्मली पिलो होता है जिसमें सरसों के बीज या फिर राई भरी जाती है। इसका फैब्रिक बहुत ही मुलायम और पतला होता है और इसके प्रभाव से बच्चे के सिर का आकार गोल करने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं कि बच्चों के लिए राई का तकिया का उपयोग क्यों और कब करना चाहिए। तो यदि आप अपने बच्चे के सिर का आकार गोल रखना चाहती हैं तो आपको राई की तकियों का उपयोग करना चाहिए। बच्चे के शरीर व सिर की हड्डियां बहुत मुलायम होती हैं और जन्म के बाद 18 महीनों तक यह किसी भी प्रकार से मुड़ सकती हैं, जिसकी मदद से आप प्राकृतिक रूप से बच्चे के सिर का आकार गोलाई में ढाल सकती हैं। दोस्तों, यदि बच्चे के सिर की दो हड्डियों के बीच का गैप बंद होने लगा है तो इसका आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको अच्छे परिणामों के लिए शुरुआत से ही इसका उपयोग करना होगा। अब बात करते हैं कि राई का तकिया आप घर पे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप राई को अच्छी तरीके से धोकर तब तक सुखाइए जब तक कि इसकी नमी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाती है। आप एक मीटर मलमल का कपड़ा लीजिए और उसे गर्म पानी में धोकर सुखा लीजिए। बच्चे के लिए कपड़े और राई को सुखाना बहुत ज़रूरी है, वरना इसमें नमी रह सकती है जिससे तकिए में फंगस या बैक्टीरिया भी हो सकती है। आप 10x5 इंच का तकिया बनाइए और उसे 3 तरह से सिल दें और एक साइड खुला रहने दें। आप इसके 3/4 हिस्से में राई भरें और 1/4 गैप रहने दें। दोस्तों, यदि आप तकिए में बहुत ज़्यादा राई भर देंगी तो वह काफ़ी कड़क हो सकती है और यदि आप बहुत कम राई भरते हैं तो यह बहुत नरम हो सकती है, इसलिए इसमें बैलेंस बनाए रखने के लिए सही मात्रा में राई आपको भरना होगा। जब आप तकिए में राई भर देंगी तो आप चौथी तरफ से भी तकिया को सिल लें और आपको लास्ट में क्या करना है, एक बार चारों तरफ से फिर सिलना है ताकि इसका उपयोग बार बार और ज़्यादा दिनों के लिए किया जा सके। अब आपको क्या करना है, तकिए पर कवर लगाना है। इसके लिए आप थोड़ा ज़्यादा मलमल का कपड़ा लें ताकि आप इसे धोकर दोबारा से उपयोग कर सकें। अब बात करते हैं कि बच्चों के लिए राई के तकिए के क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा यही है कि आपके बच्चे के सिर को एक आकार मिलता है। दोस्तों, राई के तकिए से बच्चे के सिर को प्रभावी रूप से सहारा मिलता है और यह आकार संबंधी सपोर्ट भी देती है। यह तकिया बच्चे के मुलायम सिर के लिए परफेक्ट है और साथ ही इससे बच्चे के सिर का आकार 3-4 सप्ताह में बिना किसी दबाव व स्ट्रेस के सही हो जाता है। दूसरा फायदा है, सिर का मूवमेंट अनुकूल रहता है। राई के तकिए का आकार आसानी से खराब नहीं होता है। वास्तव में इस तकिए की मदद से बच्चे का सिर दाईं और या बाईं और सही दिशा में रहता है। मस्टर्ड पिलो से बच्चे के सिर का आकार सही रहता है और इससे ज़्यादा मुड़ता या टेढ़ा नहीं होता। इसके अलावा जो तीसरा फायदा मिलता है, आपके बच्चे के सिर को प्राकृतिक गर्माहट मिलती है। राई या सरसों के बीज में विटामिन, मिनरल्स और ऐसे गुण होते हैं जो बच्चे के सिर को प्राकृतिक रूप से गर्माहट पहुँचाते हैं। यदि आपके बच्चे को सर्दी या खांसी है तो मस्टर्ड पिलो की मदद से यह समस्या ठीक हो सकती है। दोस्तों, राई के तकिए का इस्तेमाल करने का चौथा फायदा यह होता है कि सोते समय किसी भी तरफ सिर रखने पर इससे बच्चे के सिर पर दबाव नहीं पड़ता है। कभी कभी बच्चे को सिर मोड़ने वे एक विशेष पोजिशन में सिर रखने की आदत होती है, जिससे उसके सिर व गर्दन में दबाव भी पड़ सकता है और उसके सिर का आकार बिगड़ सकता है। पर इस तकिए का उपयोग करने से किसी भी पोजीशन में बच्चे के सिर पर कोई दबाव नहीं पड़ता है। सिर के नीचे मस्टर्ड पिलो रखने से सिर की हड्डियों पर दबाव पड़ना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा आपके बच्चे के बिगड़े हुए सिर का आकार ठीक होता है। यदि बच्चे के जन्म के बाद उसके सिर में कोई समस्या है, जैसे कोई चोट, बम्स, डिप्रेशन या फिर आपके बच्चे के सिर का आकार बिगड़ गया है, तो राई के तकिया से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह तकिया बच्चे का सिर चपटा होने के खतरे को भी कम करती है। यदि आप अपने बच्चे के लिए राई के तकियों का उपयोग कर रही हैं तो आपको उसके सिर की बहुत ज़्यादा मालिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे के सर की हड्डियां बहुत कमज़ोर होती हैं और इसमें अधिक दबाव डालने से बच्चे को हमेशा के लिए हानि हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे का सिर हमेशा राई के तकिए पर ही रखा होना चाहिए। इससे आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन इसके बेहतर रिजल्ट जरूर दिखाई देने लगेंगे। तो दोस्तों, ये थे
बच्चे के लिए राई यानी कि सरसों के तकिए के फ़ायदे के बारे में, उसे आप कैसे बना सकते हैं उसके बारे में, तो आपको शायद पसंद आया होगा। और यदि आपके बच्चे के सिर में भी कोई प्रॉब्लम है, उसका आकार बिगड़ गया है, तो आप राई के तकिए का उपयोग कर सकती हैं। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।